नमस्कार दोस्तों, मैंने बहुत ही आसान शब्दों में अपने पिछले वीडियो में मन की शक्तियों के बारे में बताया है। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन क्लिक करें ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहें। देखिए, मन की जिन शक्तियों का वर्णन मैंने किया है ये वो शक्तियां हैं जिनके बारे में अगर मैं बता रही हूं तो आप लोगों को ईजिली समझ आ जाएगा, क्योंकि ये प्रकट हैं और हर कोई जानता है। लेकिन मन की एक ऐसी शक्ति भी है जो दिखाई नहीं देती, जो समझ में भी नहीं आती, क्योंकि वो समझ से परे है। अगर कोई उस शक्ति को समझ लेता है तो समझिए कि वो मन की सारी शक्तियों को अपने काबू में कर लेगा। और वो शक्ति ये है कि मन को खुद को देखने की भी एक शक्ति होती है। यानी मैं हूँ, आप ऐसे समझ सकते हैं, ये जो मैं है ये भी मन है। वो जो आत्मा वाला मैं होता है उसकी पकड़ हर किसी के हाथ में नहीं आती, उसके लिए इस मन को स्टेबल करना होगा, रोकना होगा, एकाग्र करना होगा। जब हम मन से पार जाएंगे तब जाके हम उस आत्मा वाले मैं को पकड़ पाएंगे, क्योंकि अभी हमारे और आत्मा के बीच में मन काल बन के खड़ा है। वो जाने ही नहीं देता आत्मा की तरफ हर किसी को। तो मन की एक शक्ति एक ऐसी है कि मन खुद को देखता है। शरीर की बाकी इंद्रियां जो हैं उनमें ये पावर नहीं है। जैसे आँख आँख को नहीं देख सकती, वो सब कुछ देखेगी लेकिन आँख को नहीं देखेगी। नाक नाक को नहीं देख सकता, महसूस कर नहीं सकता। इस तरह से जीभ हो गई, कान हो गए, ये सब ऐसी हैं, इंद्रियां हैं ये, जो खुद को नहीं देखती। लेकिन मन के पास एक ऐसी पावर है कि ये खुद को देख सकता है। यानी एक मन जो इन इंद्रियों को काम कर रहा है इंद्रियों के थ्रू, और एक मन ऐसा है जो इन इंद्रियों का रस ले रहा है, इन इंद्रियों को देख रहा है। हम लोगों को ये तो पता है कि मन जो है, आज मन कर रहा है कुछ खाने का, मन कर रहा है, इंद्रियां हैं, लेकिन इंद्रियों के पीछे छिपा हुआ मन है। अब मैंने इस मन को देखा कि मेरा मन कर रहा है कुछ खाने का, ये एक थर्ड लेवल आ जाता है। मैं देख रहा हूँ कि मेरा मन कर रहा है कि मैं कुछ खाऊं। ध्यान से सुनिएगा, मैं देख रहा हूँ कि मेरा जो मन है वो कुछ खाने का कर रहा है। अब ये मैं मन जो है और ये जो खाने वाले का मन कर रहा है जिसका, ये दो अलग हैं। मन के भी दो रूप हो जाते हैं। यहाँ एक मन जो है वो प्रकट है, दिख रहा है, पता चल रहा है, लेकिन उसके आगे एक चित मन है, वो हर किसी की पकड़ में नहीं आता। जो इस चित मन को पकड़ लेगा वो इन मन की शक्तियों का स्वामी बन जाएगा, और जो मन की शक्तियों का स्वामी बन गया वो संसार को जीतने का सामर्थ्यवान बन जाएगा। ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन इसमें कोई, देखिए, अगर किसी को इन शक्तियों को जानना है तो उसको सबसे पहले इन शक्तियों से स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते हुए इच्छा शक्ति, कल्पना शक्ति, विचार शक्ति, उसके बाद ये आया अपने आप में मन, और मन को देखने वाला मन, जो देखने वाले मन तक पहुंच गया वो समझो मन को एकाग्र करके उस छत तक पहुंचा है। अब इस देखने वाले मन की तरफ जाने के लिए करना क्या है, इसके
उसके लिए एक अभ्यास की जरूरत है, ताकि हम मन के जो वास्तविक रूप हैं उसके दर्शन कर पाएं। हम देखें तो सही कि हमारा मन है कैसा, और ये साफ दिखेगा, काले बिंदु की तरह दिखेगा। इस मन की शक्ति को देखने के लिए जो सबसे ज़्यादा साधन किया जाता है वो एकाग्रता का किया जाता है, क्योंकि जो इंसान अपने मन को एकाग्र कर लेगा, एक जगह ठहरा लेगा, एकाग्र मन अपने आप का जब दर्शन कर लेगा, अपने आप को जब देख लेगा, तो उसका ये मन शक्तियों के ऊपर स्वामित्व हो जाएगा, मालिक हो जाएगा वो मन का। ऐसा गुरबाणी में भी आया है, मन जीते जग जीत। तो वो कौन सा मन है जिसे जीतना है, और ये जीतने वाला कौन है, ये बहुत गहरी बातें हैं। उम्मीद है आप सबको समझ में आ रही होंगी। मैं इस एकाग्रता को कैसे बढ़ाएं, क्योंकि एकाग्र हुए बिना इस मन को नहीं देखा जा सकता। और इस एकाग्रता को कैसे पाएं, क्या तरीका है, उसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगी आप लोगों को। आप मेरे साथ जुड़े रहें। धन्यवाद।